नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम भाजपा की अंतरकला में आपका स्वागत है। मिशन 2018 का टारगेट लेकर चल रही भारतीय जनता पार्टी में एकाएक पिछले कुछ महीने से अंतरकला बढ़ रही है। नेता बयान दे रहे हैं, अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं, पार्टी के मुखिया पर आरोप लगा रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। तो इस तरह क्या कुछ चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रवक्ता उमेश शर्मा जी। उमेश जी, स्वागत है आपका। साथ ही कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी। नरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। उमेश जी, पार्टी में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ, पार्टी में ऐसी कोई बहुत ज़्यादा गंभीर चिंता का विषय नहीं है कि जिस पे पार्टी बहुत ज़्यादा चिंतित हो। भारतीय जनता पार्टी एक व्यापक जनाधार वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की संख्या मुझे लग रहा है दुनिया में किसी अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की संख्या से बहुत ज़्यादा अधिक है, कीर्तिमानी है। उसके लिए तो मुझे लगता है कि हम लोग विश्व में अग्रणी राजनीतिक संगठन है जिसके पास इतने सारे कार्यकर्ता हैं, लगभग 10 करोड़ के ऊपर। और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत विपुल मात्रा में उपस्थित है। पार्टी का जो आकार है वो सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक संगठन आधारित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, विचार आधारित पार्टी है, परिवार संगठन है, इसलिए छोटे मोटे विषय यदा कदा उठते रहे उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का जो अपना एक वैशिष्ट है, मुझे लगता है कि इन छोटे मोटे चीज़ों से उस पर कोई बहुत ज़्यादा विशेष अंतर नहीं पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ सामान्य है, पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियां सामान्य ढंग से चल रही है। हमारी दैनंदिनी की जो कार्य योजना है उस पर हम सदैव और पहले कदमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार है, वो भी मध्य प्रदेश में जन कल्याण की भावना को लेकर जन अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर रही है। यही सवाल सलूजा जी आपसे भी है कि उमेश जी ने कहा कि कई सारे कार्यकर्ता हैं, लंबी चौड़ी कार्यकर्ताओं की फौज है और ये सब कुछ परिवार में ऐसा चलता रहता है, तो आपका क्या मानना है इस बात को? बड़े ही हास्यास्पद जवाब है। उमेश शर्मा जी का जवाब सुन के हंसी आ रही थी कि जितना अंतरकला भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश के अंदर 13 वर्ष बाद ये देखने को मिल रहा है, इतना अंतरकला आज तक देखने को नहीं मिला। उसके पीछे मूल कारण ये कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को पार्टी डिफरेंस बताती थी, वे वास्तव में जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पिछले दिनों केरवा डैम के पास शारदा विहार में आरएसएस की समन्वय बैठक हुई, जिस प्रकार से उसके अंदर मुद्दे सामने आए, जिस प्रकार से कई वक्ताओं ने उसमें कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब पार्टी विद द डिफरेंस नहीं रह गई है, तो भारतीय जनता पार्टी जो इस 13 वर्ष बाद स्थिति, आज पूरी तरह से अधिकारियों का राज चल रहा है, कार्यकर्ता अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, पूरी तरह से अधिकारी निरंकुश हो गए और संगठन हाशिए पर चला गया, सत्ता के आगे बोना साबित हो गया है। पूरी तरह से कार्यकर्ता जो अपने कामों को लेके भी जो ठगा महसूस कर रहे हैं वो मुखर हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चरम पर है। पिछले कुछ समय से शिवराज सिंह चौहान देखने में आया कि अपने दूसरे नंबर पर आने वाले व्यक्ति को हाशिए पर डालने का काम उन्होंने लगातार इन 13 वर्षों में किया है और पिछले कुछ समय से कैलाश व्योगी गुट को भी उन्होंने हाशिए पर लाने का काम किया है, जिसकी परिणति आपने देखा होगा कि आरएसएस की समन्वयक बैठक में जिस तरह की बयानबाजी सामने आई, जिस प्रकार से कैलाश व्योगी जो एक राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने बयान दिया कि प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी भ्रष्ट हो गई है, 20% कमीशन लेकर काम करती, जिस प्रकार से प्रहलाद पटेल जैसे नेता को बोलना पड़ा कि कलेक्टर के आगे याचक की मुद्रा में खड़ा होना पड़ता है, जिस प्रकार से विक्रम वर्मा जैसे वरिष्ठ नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनको बोलना पड़ा कि प्रभारी मंत्रियों से पूछें कि वो अपने जिले में कब और किस समय गए, कितने दिन रुके, उनके कार्यों की समीक्षा की जाना चाहिए, जिस प्रकार से लगातार नेताओं ने कहा कि कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं जा रहा है, अधिकारी सरकार चला रहे हैं, अधिकारी निरंकुश हो गए, बगैर पैसे लिए काम नहीं करते हैं, प्रभारी मंत्री कार्यकर्ताओं को पूछ नहीं रहे, ये सब बातें सामने आने के बाद जो कैलाश विजयवर्गीय का एक ट्वीट के माध्यम से बयान आया मेट्रो को लेकर, जो उन्होंने सीधे राज्य सरकार पर निशाना साधा और बाद में उसको वापस लेके एक दूसरा ट्वीट अधिकारियों के ऊपर कहा, फिर उन्होंने 3 दिन पूर्व प्रदेश में निवेश को लेके जो बयान दिया कि प्रदेश के अंदर निवेश का माहौल अधिकारी खराब कर रहे हैं, दुबई की एक कंपनी जबलपुर में 2000 करोड़ का निवेश करना चाहती थी लेकिन 2 साल से कलेक्टर कमिश्नर का फाइल चक्कर खा रही, उसी कड़ी के अंदर जिस प्रकार रमेश मेंदोला जो विधायक हैं, जो कैलाश्वरी के खास साथी माने जाते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से इंदौर की महापौर को एक खुला पत्र लिखा और जिस प्रकार से पूरी नगर निगम परिषद को और उनके कामों को 2 साल के कामों को कटघरे में खड़ा किया, जो बोली और जो भाषा उसके अंदर लिखी गई थी कि पूरा शहर बर्बाद हो गया, तो लगातार इस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है और पूरी तरह से अंतरकलह बढ़ गई है। शिवराज सिंह का अपनी पार्टी पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है,
पूरी पार्टी में लड़ाई जारी है और ये नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाड़ भी होने लग गई है। लेकिन मैं बधाई दूंगा नंद कुमार चौहान जी को कि आज उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए एक बड़ा ही साहसिक बयान दिया कैलाश विजयवर्गीय जी को लेके, जो उन्होंने कहा है कि जब से दिल्ली में उनमें सोचने समझने की शक्ति कम हो गई तो ऐसा लग रहा है कि अब संगठन जो आरएसएस के हस्तक्षेप के बाद मुखर हुआ है और कहीं ना कहीं संगठन ऐसे लोगों पर लगाम कसेगा, जिसका परिणाम सामने आया कि मंत्री गोपाल भार्गव ने कल एक बड़ा विवादास्पद बयान पार्टी को लेकर दिया था कि अंतर्कलह बढ़ गया है और कांग्रेस जैसी स्थिति हो गई है, कार्यकर्ताओं में असंतोष है, जिसका खामियाजा हमें 2018 में भुगतना पड़ेगा। लेकिन लगातार जैसे संगठन ने लगाम कसी वो अपने बयान से आज पलट गए, तो ऐसा लग रहा है कि शायद अब पार्टी को सख्त कदम उठाएगी। लेकिन अंतर्कलह और गुटबाजी से भाजपा पूरी तरह से ग्रसित हो चुकी है और पूरी तरह से उससे लड़ाई लड़ती हुई दिख रही है। तो नरेंद्र सलूजा जी ने काफी विस्तार से भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति के बारे में अपनी बात कही है। उमेश जी, इस बात में कितनी सच्चाई है कि आज आपने कहा आपका बड़ा संगठन है, कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है और असंतोष भी होना स्वाभाविक है, परिवार में समुद्ध चलते रहेंगे, लेकिन आम कार्यकर्ता की अगर हम बात करें तो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है अधिकारियों के आगे। जैसा प्रहलाद पटेल ने कहा कि याचक की मुद्रा में, आज भी आम कार्यकर्ता ठगासा महसूस कर रहा है। अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं, सत्ता का उन पर कोई प्रभाव नहीं है, संगठन का कोई प्रभाव नहीं है और वे मनमर्जी से काम कर रहे हैं। साथ ही जो कार्यकर्ता दबी जुबान ये बात भी कहते हैं कि हम जो काम 1000 में करवाते थे वो आज 10000 में हो रहा है, तो भ्रष्टाचार भी पनप गया है, बढ़ गया है। तो ये कार्यकर्ताओं की भावना है, तो इसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? सुनील जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब, जितने आपने उठाए सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। पहले मैं नरेंद्र भाई ने जो विषय उठाए थे उनका जवाब दे देता हूं। एक तो शारदा विहार की बैठक के बारे में बहुत स्पष्ट समझा दूं कि शारदा विहार की बैठक केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए आहूत की गई थी, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो दैनंदिनी की वार्षिक कार्यसूची होती है, उस वार्षिक कार्यसूची का एक विषय होता है समन्वय बैठक, और समन्वय बैठक में अनेक समविचारी संगठन वहां पर आते हैं। भारतीय मजदूर संघ होता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद होती है और अनान्य जो हमारे आनुषांगिक संगठन है, समविचारी संगठन है, वो सारे परिवार के संगठन के चुने हुए और अपेक्षित प्रतिनिधि वहां पर एकत्रित होते हैं और प्रत्येक संगठन का वृत्त निवेदन होता है। उस वृत्त निवेदन को ये कहना कि आलोचना की गई, वो एक समीक्षात्मक ढंग से सारे लोग मिलकर सौहार्दपूर्ण चर्चा करते हैं, आत्म अवलोकन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। एक प्रकार से प्रत्येक संगठन अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, उसका उद्देश्य ये होता है कि जो समविचारी संगठन है, क्योंकि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो एक सामाजिक संगठन है, उस सामाजिक संगठन से जुड़े हुए जितनी आनुषांगिक इकाइयां हैं वो समाज जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, वनवासी क्षेत्र में भी काम करते हैं, दलित क्षेत्र में भी काम करते हैं, विद्यार्थियों के क्षेत्र में काम करते हैं, बुद्धिजीवियों के क्षेत्र में काम करते हैं, तो आपस में उनका समन्वय बना रहे, आपस में तालमेल बना रहे। इसलिए शारदा विहार की जो बैठक थी वो इसलिए आहूत की गई थी। उस बैठक के बारे में जो बार बार नरेंद्र भाई ने दोहराया कि वहां पर इस तरह के विषय उठाए गए, इस तरह के आरोप लगाए गए, तो मुझे लग रहा है कि सामान्य ढंग से भारतीय जनता पार्टी का जिस समय वृत्त निवेदन आया था, या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते माननीय कैलाश जी या अन्य किसी नेता को बोलने का अवसर मिला होगा, तो उन्होंने वहां पर सामान्य रूप से सुधार की दृष्टि से इस प्रकार की बात करी। एक बार जो नरेंद्र भाई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा अंतर्कलह है, भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चरम पर है, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार संगठन है, मैं तो नरेंद्र भाई से प्रतिप्रश्न करना चाहता हूं, थोड़ा सा मध्य प्रदेश के संदर्भों से बाहर ले जाकर करना चाहता हूं, उनको अवसर मिलेगा तब वे जवाब दें, आग्रह करना चाहता हूं कि बीच में ना टोके। प्रशांत किशोर जी, देश के सबसे बड़े इवेंट ऑर्गेनाइजर प्रशांत किशोर जी को इस बार लीज पे लिया कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए। प्रशांत किशोर जी ने जो सबसे पहली अपेक्षा करी वो ये रखी कि राहुल गांधी जी जो है वो मिसफिट है, ये चलेंगे नहीं, प्रियंका गांधी को लाया जाए। प्रशांत किशोर के बयान के बाद कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साहित हो गया, बनारस और इलाहाबाद में पोस्टर लगा दिए गए कि प्रियंका लाओ और कांग्रेस बचाओ, और उसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दिया गया। ये विषय नहीं है, चर्चा कर रहे हैं ये राष्ट्रीय स्तर की कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, केवल गुटबाजी, विषय नहीं है जो बात कर रहे हैं। बात का जो मुद्दा है वही है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मध्य प्रदेश की बात करिए आप, विषय पे बात करिए आप। कल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए, मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर लेता हूँ। कल माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए, बड़े सम्मानी नेता है, मैं भी उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पत्रकार वार्ता करी, पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एक रणनीतिक ब्लूप्रिंट की आवश्यकता। क्या गलत बोला उन्होंने?
नरेंद्र जी जब आपको समझ आएगा मैं बिल्कुल भी नहीं टोकूंगा, आप मेरी प्रत्येक बात का प्रतिवाद करिएगा, मुझे अपनी बात स्वतंत्रता पूर्वक कहने दीजिए। हम लोग एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो मुझे लगता है कि जो हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए बैठे ये उनकी भी मर्यादा का उल्लंघन है। जी, रणनीतिक ब्लू प्रिंट की आवश्यकता ज्योतिरादित्य जी ने बताई जी, और उसके बाद जब पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि क्या ब्लू प्रिंट होना चाहिए तो ये ब्लू प्रिंट कौन तैयार करेगा, तो इस बारे में वे मौन हो गए, बोले इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। इसके पहले भी इस तरह के संचय भरे बयान आए, उन्होंने सीधे अरुण यादव जी पर निशाना टाका, और आज अरुण यादव जी का जो काउंटर आया है उन्होंने बहुत ही कटाक्षपूर्ण स्वरों में कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का मैं बड़ा धन्यवाद देता हूं और आभार करता हूं कि उन्होंने भोपाल आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए समय निकाला। एक बार अजय सिंह जी का बयान आता है, अजय सिंह जी अरुण यादव पर निशाना साधते, अरुण यादव जी ज्योतिरादित्य जी पर निशाना साध रहे, ज्योतिरादित्य जी कमलनाथ जी पर निशाना साध रहे, तो कांग्रेस को मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में चिंता करने के बजाय अपने राजनीतिक दल के बारे में चिंता करना चाहिए। एक बात मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात को समाप्त करूंगा सुनील जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के बयानों की बात है या प्रश्नों की बात है, भारतीय जनता पार्टी में अन्य राजनीतिक दलों की अपेक्षा आंतरिक लोकतंत्र बहुत ज्यादा सुदृढ़ है। अगर हमारे नेताओं ने कहीं किसी स्तर पर किसी प्रकार का बयान दिया या जो मेरे स्नेहिल भाई नरेंद्र जी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह जी का इस प्रकार का बयान आया है, तो वे भारतीय जनता पार्टी परिवार के प्रदेश अध्यक्ष है। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्षीय प्रणाली है, भारतीय जनता पार्टी में संगठन में जो शीर्ष नेतृत्व होता है वो अध्यक्षीय प्रणाली का होता है, अध्यक्ष होते हैं। पार्टी के अध्यक्ष के नाते वे पार्टी के अभिभावक है, अभिभावक के नाते अगर उन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य के बारे में कोई बयान दिया है या अपने किसी परिवार के सदस्य को समझाइश दिए, तो हमारा किसी भी स्तर का नेता, भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान भी एक कार्यकर्ता के नाते हैं, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी भी एक कार्यकर्ता के नाते हैं, और हमारे जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वो हम सब कार्यकर्ताओं के अभिभावक है। अभिभावक के नाते अगर उन्होंने कोई बात कही है तो पार्टी परिवार उसको समझाइश के रूप में लेता है, सुधार के संकेत के रूप में लेता है, और ये भारतीय जनता पार्टी में सद्भावना का वातावरण इसलिए है क्योंकि हम एक संगठन आधारित पार्टी है। ना तो प्रदेश अध्यक्ष जी के बयान में कहीं किसी के प्रति लेश मात्र का कोई पूर्वाग्रह या दुराग्रह है, ना किसी अन्य नेता के बारे में है। जो बयानबाजी हुई या जो बातें रखी गई, कहीं किसी स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष जी को लगा कि उसमें समझाइश की आवश्यकता है, उन्होंने सकारात्मक ढंग से अपनी बात रखी है और हमने उसको उसी सकारात्मक ढंग से लिया है। अंतिम बात, भारतीय जनता पार्टी बड़ा परिवार है पर इसका आशय कदापि रंच मात्र लेश मात्र भी ये नहीं है कि हम में कहीं कोई मन में मनमुटाव है या हम लोगों के बीच में कोई बहुत ज्यादा गहरे वैमनस्य है। सामान्य से मतभेद एक छोटे से पारिवारिक इकाई में भी होते हैं, ये बहुत बड़ा परिवार है, सामान्य से विचारों का अंतर होता है और उनके विचारों के अंतर में समरूपता लाने का काम पार्टी का संगठन करता है। ये दायित्व तो संगठन की अध्यक्ष का होता है, संगठन महामंत्री का होता है, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया है उसको इसी रूप में लिया जाना चाहिए कि उन्होंने सामान्य रूप से समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से इस प्रकार की बात कही। चलिए, जिस तरह से उमेश जी ने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष ने पार्टी के मुखिया होने के नाते सदस्यों को समझाइश देने के तौर पर ये बात कही है, तो सलूजारी ये भी माना जाए कि बाकी जितने नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं वो तो पार्टी के हित में कर रहे हैं और पार्टी का संगठन को मजबूत करने की दिशा में ही उनकी बयानबाजी है। उमेश जी की बातों से तो ऐसे ही लग रहा है कि रमेश मेंदोला की चिट्ठी भी पार्टी हित में, कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान था मेट्रो को लेकर सरकार पे जो निशाना साधा गया वो भी पार्टी हित में था, कैलाश विजयवर्गीय जी का जो निवेश का बयान था वो भी पार्टी हित में था, और आज जो समझाइश भरा बयान नंदकुमार चौहान जी ने दिया है, निश्चित तौर पर उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय सामने आएंगे मीडिया के और कहेंगे कि मुझे बहुत अच्छी समझाइश दी है और मैं उनकी समझाइश का स्वागत करता हूं और भविष्य में इस तरह की बयानबाजी नहीं करूंगा, पार्टी हित में काम करूंगा, मेरे से बड़े हैं, मेरी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनके बयान का मैं स्वागत करता हूं। उमेश जी की बातों से लग रहा है कि ऐसी स्थिति एक दो दिन में सामने आने वाली। उमेश जी को बताना चाहूंगा कि जब कांग्रेस के जिन बयानों की वो बात कर रहे हैं अरुण यादव और सिंधिया जी की, बड़ी हास्यास्पद बात है कि कल सिंधिया जी ने पार्टी के ब्लूप्रिंट तैयार होने की बात करी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं भी अरुण यादव का नाम तक नहीं था,
उनका यदि इतना बयान मात्र कि पार्टी को ब्लूप्रिंट तैयार करने की आवश्यकता है, इसमें कहां से गुटबाजी छलकी, इसमें कहां से अरुण यादव पे निशाना हुआ, और अरुण यादव जी ने उन्हें धन्यवाद दिया है कि वो भोपाल आए और उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय दिया, इसमें कहां कटाक्ष या कहां गुटबाजी हो गई। यदि उनको ये गुटबाजी और ये एक दूसरे पर आरोप लगते हैं तो जिस प्रकार से खुल्ला खुल्ला कैलाश विजयवर्गीय से लेकर प्रहलाद पटेल से लेकर नंदकुमार चौहान से लेकर गोपाल भार्गव से लेकर रमेश मेंदोला बयानबाजी दे रहे हैं, वे उन्हें समझाइश भरी लग रही, वे पार्टी हित में लग रही, तो बड़ा ही तुलनात्मक जो अध्ययन किया है मेरे भाई उमेश शर्मा जी ने पूरी तरह से गलत है। भारतीय जनता पार्टी में अंतर कलह की स्थिति, और वो आरएसएस की बात करें, आरएसएस को खुद ही एक सामाजिक संगठन बता रहे हैं। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, एक सामाजिक संगठन को क्या अधिकार है कि पूरी सरकार को बुला के वहां उनसे फैसले की जानकारी ले, उनके कार्यक्रमों की जानकारी ले, उन्हें समझाइश दे, उनको निर्णय सुनाए। अरे पूरी सरकार प्रदेश के मुखिया से लेकर राष्ट्रीय महासचिव से लेकर पूरी सरकार केरवा डैम में इकट्ठी हो गई और आरएसएस के आगे पूरी सफाई दे रही। इससे तो साबित हो रहा है कि आपकी सरकार मध्य प्रदेश में आरएसएस चला रही है। जो आरएसएस खुद को एक सामाजिक संगठन बताता है, खुद को कहता है कि राजनीति से दूर हूं, सरकार में हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, हम राजनीति नहीं करते, आपकी बातों से आपने खुद स्वीकार लिया है कि आरएसएस ने बैठक बुलाई, सारे संगठनों की बुलाई, आरएसएस सामाजिक संगठन है, आरएसएस के सामने कैलाश विजयवर्गीय ने सफाई दी। तो इतना क्या आरएसएस प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है, देश का नेतृत्व कर रहा है, जो सभी नेताओं को सफाई देने की आवश्यकता पड़ी आपने खुद स्वीकारा है। उमेश जी आप कुछ कहना चाहते हैं? सुनील जी मैं ये कहना चाह रहा था, मैं वापस विषय को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वही भूमिका है जो चंद्रगुप्त के निर्माण में चाणक्य की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वही भूमिका है जो छत्रपति शिवाजी के निर्माण में गुरु समर्थ रामदास की थी। एक बात मैं बार बार इस बात को बहुत प्रतिबद्धता के साथ दोहराऊंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक संगठन है जो भारत के पुनर्निर्माण के पुनीत कार्य में लगा है। इस पुनीत कार्य में वो दलीय निष्ठा के आधार पर काम करने वालों को संरक्षण प्रदान करता है, ऐसा नहीं है। एक बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भारतीय जनता पार्टी के या भारतीय मजदूर संघ के या विद्यार्थी परिषद के या वनवासी कल्याण परिषद के या विश्व हिंदू परिषद के दैनंदिनी के कार्यों में ना कोई हस्तक्षेप होता है, ना उनके निर्णयों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रभावित करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हम एक मार्गदर्शक के रूप में लेते हैं, और जब हमको आवश्यकता ऐसी महसूस होती है कि भारत के पुनर्निर्माण की इस यात्रा में हमारे संगठन की जो आहुति है उसके लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मार्गदर्शन लेते। एक बात, बार बार जिस चिट्ठी की बात नरेंद्र जी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उस चिट्ठी वाले विषय का पटाक्षेप हो गया। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, एक चुने हुए विधायक ने अपनी चुनी हुई महापौर को एक चिट्ठी लेखन के द्वारा अपनी बात रखी है, और उन्होंने भी बहुत सकारात्मक ढंग से विधायक जी की बात को लिया है। इसमें कहीं भी कोई राजनीतिक अर्थ ढूंढने की और तलाशने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में किसी भी स्तर पर किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं है। कहीं कहीं विचारों का अंतर हो सकता है, और जो नरेंद्र भाई ने अपेक्षा करी कि माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी अब मीडिया के सामने आएंगे और मीडिया के सामने आकर बयान देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी संगठन की कोई ये बात परंपरा नहीं रही कि हर बात हम लोग मीडिया के माध्यम से करें। हमारी पार्टी का अपना एक आंतरिक लोकतंत्र। एक बात, अंतिम बात सुनील जी, फिर मैं आप उनको समय दीजिएगा। मेट्रो वाला बयान कैलाश जी का हो या रमेश जी की चिट्ठी वाला बयान हो या निवेशकों वाला बयान हो, मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि कैलाश विजयवर्गीय जी भारतीय जनता पार्टी के व्यापक जनाधार वाले नेता हैं। उनका जो दृष्टिकोण मध्य प्रदेश को लेकर है वो एक माता और पुत्र की भांति है। वे मध्य प्रदेश की माटी में पले बड़े पैदा हुए हैं, और इंदौर शहर के प्रति उनका सरोकार सीधा सीधा जुड़ा, वो इंदौर के साथ बहुत आत्मीयता से जुड़े हैं। अगर वे इंदौर के विकास को लेकर कहीं कोई बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंदौर के विकास में सकारात्मकता है, ये उनका आग्रह होता है। हो सकता है कि उनकी कही हुई बातों के अर्थ को भिन्न प्रकार से ले लिया जाता हो, और मुझे लगता है कि आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार अपना विषय रखा है भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से, तो मुझे लगता है कि इस विषय का पटाक्षेप हो गया है। ठीक है, राजनीति है, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, विपक्ष के नाते कांग्रेस के मित्रों को भी अधिकार है कि वे हम पे छींटा कसी करे, ताना कसी करे, और ये लांछना भी हमको दे, यह स्वाभाविक है, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे कार्यों की अगर आलोचना होती है तो हमको आत्मसुधार का अवसर मिलता है, और इस आत्मसुधार का अवसर प्रदान करने के लिए मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते नरेंद्र भाई को भी धन्यवाद देता हूं। आपने कहा कि चिट्ठीकांड का पटाक्षेप हो चुका है, और जो कैलाश विजयवर्गीय हो चाहे प्रहलाद पटेल हो, सबका आरोप उमेश जी अधिकारियों पर है, तो अधिकारियों की निरंकुशता को लेकर है, अधिकारियों की जो काम को
रोकने की जो आदत है, अधिकारी काम नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार को लेकर है, ये बड़ा मुद्दा निकल गया। सुनील भैया एक बात बहुत स्पष्ट और बहुत दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने जो कार्य योजना तय की है, जो नीति तय करी है, उस नीति का पालन करना, उस कार्य योजना का क्रियान्वयन करना, इसकी जिम्मेदारी अफसरशाही पर है। कहीं किसी स्तर पर ना तो कोई अफसरशाही सरकार पर हावी है, ना कोई अफसरशाही नगर निगम पर हावी है, ना कोई अफसरशाही इंदौर विकास प्राधिकरण पर हावी है। महापौर जी की जो अपनी कार्य योजना है उसका पालन करने की जो जिम्मेदारी है वो लोकतांत्रिक और संघीय ढांचे के अनुरूप निगम आयुक्त की है, वो अपना काम प्रतिबद्धता के साथ करेंगे। प्राधिकरण के लिए जो कार्य योजना तय करेगा इंदौर विकास प्राधिकरण का राजनीतिक बोर्ड, उसका क्रियान्वयन और पालन कराने की जिम्मेदारी सीओ की और कार्यपालिका की है, वो अपना काम करेगी। और मध्य प्रदेश शासन में माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना अनुरूप मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता के जन कल्याण के लिए जिन नीतियों का निर्माण किया जा रहा है या जो कार्य योजना की जा रही है, उस नीति का पालन, उस कार्य योजना का क्रियान्वयन कराने की जिम्मेदारी मुख्य सचिव और बाकी के अफसरशाही पर है। कहीं किसी स्तर पर कई बार ये लगता है, प्रारंभिक रूप से ये प्रथम दृष्टया दिखाई देता है कि अफसरशाही किसी काम में रोड़े अटका रही है या अड़ंगा डाल रही है या सख्ती कर रही है, यह पूर्ण सत्य नहीं है। अंततः जो लक्ष्य दिया गया है, अंततः जिस टारगेट को अचीव करना है, उस टारगेट को अचीव करने के रास्ते में कहीं दाएं बाएं थोड़ा इधर उधर मुड़ना पड़ता है, तो उसको अफसरशाही की तानाशाही के रूप में नहीं लिया जा सकता है। मध्य प्रदेश की अफसरशाही या मध्य प्रदेश की जो कार्यपालिका है, मुझे लगता है अफसरशाही शब्द भी थोड़ा सा हिटलर जैसा है, कार्यपालिका ठीक शब्द है। विधायिका जो कार्य तय करके देगी, कार्यपालिका प्रतिबद्धता के साथ उसका क्रियान्वयन कर रही है, और इस बात को लेकर कहीं किसी स्तर पर राज्य सरकार से लेकर स्थानीय इकाइयों तक, राज्य इकाई से फिर दोहरा रहा, राज्य इकाई से स्थानीय इकाई तक विधायिका और कार्यपालिका में रंचमात्र का भी टकराव नहीं है। बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। इंदौर शहर का जो स्मार्ट प्रोजेक्ट आया है, आप उसमें देखिए कि महापौर और निगम आयुक्त तो कदम ताल करके अपना काम कर रहे हैं। शिवराज सिंह जी चौहान ने जो जनकल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, उन जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन विधायिका के नेतृत्व में कार्यपालिका बहुत दृढ़ता और प्रतिबद्धता के साथ कर रही है। हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं बहुत अधिकार पूर्वक ये कहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी स्तर पर इस प्रकार की कार्यपालिका के कार्य के अंदर कहीं कोई सुस्ती नहीं है, कहीं कोई कोताही नहीं है, कहीं कोई लापरवाही नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी की मंशा है, जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, उसी दृष्टिकोण के साथ कार्यपालिका अपने कार्य को अंजाम दे रही है। उमेश जी का कहना है कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच अच्छा समन्वय और सब दूर द्रुत गति से काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। यहाँ जो चर्चा का मुद्दा है वो कार्यपालिका और विधायिका के बीच नहीं है, यहाँ जो चर्चा का मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह है और यहाँ पर कार्यकर्ताओं में असंतोष है। क्या जरूरत पड़ी मुख्यमंत्री को 12 साल के शासन के बाद ये कहने की कि मेरा कहना या मेरा किया हुआ सब पत्थर की लकीर है? क्या अधिकारियों पर ये स्पष्ट संदेश नहीं है कि वे काम नहीं कर रहे हैं? क्या सलूजा जी, इस बात से आप कितना सरोकार रखते हैं? देखो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में वास्तविकता बयान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने कर दी। जिस प्रकार से शारदा विहार की बैठक के बाद ये ब्यूरोक्रेसी को लेकर बातें सामने आई, तुरंत प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का बयान आया कि घोड़ा वही है, सिर्फ घुड़सवार की गलती है। मैंने भी अधिकारियों से काम लिया, मैंने भी जो चाहा करा, मैं भी भोपाल में निकला, प्रदेश में निकला, जो चाहा मैंने कहा काम किया। यदि यहाँ पे गलती है तो कहीं ना कहीं घुड़सवार की गलती, घुड़सवार कमजोर है। और वास्तविकता ही है, प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से प्रहलाद पटेल की बात करें, कैलाश वर्गी की बात करें, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि ओम प्रकाश दुर्वे ने सार्वजनिक रूप से एक तहसीलदार को डपटा, इंदौर में रुस्तम सिंह आए और स्वास्थ्य विभाग का उन्होंने भ्रमण करा तो डॉक्टरों को, उन्होंने जो भी जिम्मेदार अधिकारी थे उनको डांटा, तो लगातार जो देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं अधिकारी अफसरशाही निरंकुश हो गई है और शिवराज सरकार के अंदर इतनी तरह से हावी हो गई है कि भाजपा कार्यकर्ता और सरकार पूरी बोनी हो गई है और पूरी तरह से अधिकारी सरकार को चला रहे हैं। इंदौर की बात करें तो इंदौर में भी असली कारण अधिकारी, पार्षद चाटा कांड के बाद जो स्थिति हुई थी, पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता मैदान में आ गए, कृष्ण मुरारी मोगे जैसे वरिष्ठ नेता के मैदान में आने के बाद, उनकी अध्यक्षता में समिति बनाने के बाद भी आज तक अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं अधिकारियों को खुला शिवराज सिंह चौहान का संरक्षण प्राप्त है और अधिकारी निरंकुशता से काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं तो उमेश जी की बात का भी करना चाहता हूं, जो उनकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि कैलाश वर्गी जी का इंदौर से आत्मीय लगाव और उनकी बात को ठीक से समझा नहीं गया,
तो वो अपने प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उनकी कहने का आशय कि उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कैलाश वेरगी की बातों को नहीं समझा। आप देखें, कैलाश वेरगी ने इंदौर की मेट्रो को लेकर भी बयान दिया और भोपाल की मेट्रो को लेकर भी कल बयान दिया कि जिस गति से मेट्रो आ रही है वो 2018 में 28 में आएगी, ये 28 में आएगी, ये बात उन्होंने भोपाल की मेट्रो को लेकर भी कहा। तो जिस प्रकार से उमेश शर्मा जी उनका बचाव कर रहे हैं, एक बार मेरी बात पूरी हो जाए तो ऐसा लग रहा है कि शायद जो नंद कुमार चौहान जी हैं वो गलत हैं जो उनको इस तरह का बताना पड़ा। यदि कैलाश वेरगी को इंदौर से इतना आत्मीय लगाव है तो नंद कुमार चौहान जी को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि जब से वो दिल्ली गए उनकी सोचने समझने की शक्ति कम हो गई है। तो आपकी बात सही माने कि नंद कुमार चौहान जी आपके प्रदेश अध्यक्ष उनकी बात सही माने, ये समझ से परे है। नरेंद्र जी के अंदर है ना, मुझे एक ऐसा लगता है जैसे कोई नवविवाहिता भाभी आती है और कुमारी ननद जो होती है ना वो गाये बगाये भाभी को घेरती रहती है। तो नरेंद्र भाई को तो मैं उनकी भाभी समानू और वो हमेशा उनको ननद के रूप में रहता हूँ कि कितना भी अच्छा काम सरकार कर लेगी वो तो चिकोटी काटते ही रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया है उस पर किसी भी प्रकार का कोई संशय किसी भी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि पार्टी के अभिभावक हैं, उनके बयान में किसी के प्रति दुराग्रह और पूर्वाग्रह नहीं होता है। अगर माँ किसी भाव के साथ भी समझाए, माँ अगर बच्चे को तमाचा भी जड़ दे, माँ अगर बच्चे को थपकी भी दे दे, माँ अगर बच्चे को लताड़ भी दे, तो माँ और पुत्र के संबंधों में अंतर नहीं आता है। तो पार्टी का जो अध्यक्ष होते हैं वो पार्टी संगठन की मां के स्थान पर है। उन्होंने जो कुछ भी कहा है हम उसको सकारात्मकता के साथ लेते हैं। मैं वापस सुनील भैया जो आपने कहा था उसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय अभी नरेंद्र जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी का जो है वो अफसरशाही पे पूरी तरह से नियंत्रण है और उनके कारण अफसर किसी की नहीं सुन रहे। तो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, उनका नियंत्रण नहीं रहेगा तो किसका नियंत्रण रहेगा? ये तो अच्छी बात है ना के प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते वे अफसरशाही पर या कार्यपालिका पे नियंत्रण कर रहे हैं। रोकना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे निमंत्रण नहीं, उनका अफसरों पे निमंत्रण नियंत्रण है। नियंत्रण उनको अपनी पार्टी के नेताओं पे भी रखना चाहिए जो इस प्रकार से बेलगाम बयानबाजी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं पर पार्टी पे कोई नियंत्रण नहीं रह गया, इसीलिए आरएसएस को हस्तक्षेप करना पड़ा। माफी के साथ अपनी बात कोई बात नहीं, एक बहुत बड़ा परिवार है, उस बड़े परिवार के किसी सदस्य ने किसी स्तर पर कोई बात कर दी तो इसका आशय यह थोड़ी है कि पार्टी में तलवारें खींच गई। इसका आशय यह है कि पार्टी के किसी सदस्य ने अगर कोई बात पार्टी के संज्ञान में लाई है तो पार्टी उस बात पर विचार मंथन करती है। और भारतीय जनता पार्टी का एक वैशिष्ट है नरेंद्र जी कि हमारा जो राजनीतिक दल है ना उसके निर्णयों में सामूहिकता होती है। अगर प्रदेश अध्यक्ष जी का भी किसी प्रकार का कोई बयान आया है तो निश्चित रूप से इस निर्णय में सामूहिकता है। जिस स्तर पर उनको इस पर विचार विमर्श करना होगा उस स्तर पर विचार विमर्श हुआ होगा और विचार विमर्श के बाद में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जो बयान आया है उसको पूरी भारतीय जनता पार्टी बहुत सकारात्मकता के साथ लेती है और ये मानती है कि यह हमारे अभिभावक के द्वारा दिया हुआ मार्गदर्शन है, इस मार्गदर्शन का हम पालन करेंगे। इतनी सी बात है। निश्चित तौर पर आपकी उम्मीद के मुताबिक कैलाश वेरगी जी भी मानेंगे, सारे मानते हैं बयान को। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि उनका भी बयान इसी प्रकार आएगा आपके प्रति के अभिभावक के रूप में। उन्होंने बयान दिया और मैं उसका स्वागत करता हूं। इंतजार करें एक दो दिन देखें, सिर्फ एक दो दिन देखें, आपको पता चल जाएगा कैसा बयान आएगा। प्रवक्ता के नाते विषय रखना मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। राष्ट्रीय महासचिव के नाते माननीय कैलाश जी के पास बड़ा दायित्व है, प्रदेश अध्यक्ष जी के नाते माननीय नंद कुमार जी के पास भिन्न प्रकार का दायित्व। बिल्कुल ठीक, तो सबके अपने अपने दायित्व, आवश्यक थोड़ी है कि हर बात पर कैलाश जी बयान देंगे, देते भी नहीं है। अपने अपने दायित्व है और जहाँ तक बात है, हमने जो बात की शुरुआत की भाजपा की जो अंतर्कलह है वो पार्टी को किस मुकाम पर लेकर जाएगी। मिशन 2018 के अपने टारगेट पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह कामयाब होगी, क्या ये चर्चा का विषय नहीं है, चिंता का विषय नहीं है? वो 2018 का चुनाव हो या उसके पहले अन्य राज्यों के चुनाव हो, सुनील भैया हमको कभी भी किसी चुनाव के लिए कोई अतिरिक्त तैयारी की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि हम लोग जिस ध्येय वाक्य को लेकर काम करते हैं चरे वेती, हमारे संगठन का जो वैचारिक अधिष्ठान है वो निरंतर अंतिम व्यक्ति के उत्थान की कामना में कार्यरत संगठन का परिवार है।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव आ जाएगा तो हम मैनेजमेंट आधारित रचना करेंगे, जैसे एक समय माननीय दिग्विजय सिंह जी कहा करते थे कि चुनाव मैनेजमेंट से जीता जाता है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट मत है कि चुनाव मैनेजमेंट से नहीं जीता जाता है, और हमने कभी भी सत्ता प्राप्ति को ध्येय बनाकर राजनीति नहीं करी है। हम समाज जीवन में मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता के जनकल्याण की भावना को लेकर निरंतर काम करते हैं। हमारा संगठन भी काम करता है, हमारी सरकार भी काम करती है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी की जितनी कल्याणकारी योजना है उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि अंतर 1 रुपए किलो का अनाज, 1 रुपए किलो का नमक, लाडली लक्ष्मी, मैं यहां गिनाना ही नहीं चाहता हूं क्योंकि वो आज का विषय नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं उसका परिणाम ये हुआ है सुनील जी कि पूरी मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री जी के कद के आगे बहुत बोनी दिखाई देती है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के सभी माननीय वरिष्ठ नेता गणों को एक साथ भी खड़ा कर लिया जाए तो सारे के सारों का कद मुख्यमंत्री जी की कमर के नीचे आता है। लोकप्रियता और स्वीकार्यता के मामले में शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश के अद्भुत और बिरले नेता है। उनकी जोड़ का कोई नेता इस समय कांग्रेस के पास है नहीं, और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर आप ज्योतिरादित्य जी का चेहरा उजला करके खड़ा करेंगे तो काल तोर का डब्बा लेके कमलनाथ आते दिख जाएंगे, अरुण यादव जी दिख जाएंगे। कमलनाथ जी को आप प्रपोज करेंगे तो अरुण यादव जी और ज्योतिरादित्य के हाथ में कोल तार का डब्बा आ जाएगा। मैं तो कांग्रेस के मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की चद्दर पे पत्थर फेंक के दग्गड़ चौथ मनाने के बजाय अपनी टीम का कैप्टन तय करो। अगर कांग्रेस में वाकई में साहस है तो बोले कांग्रेस का नेतृत्व कि अगले चुनाव में हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा ये होगा। बगैर कैप्टन के आप मैदान में उतर गए, आपकी तरफ से टास्क करने उत्तर प्रदेश में आपकी यही स्थिति है। उत्तर प्रदेश में तो कैप्टन तय नहीं कर पा रहे। उत्तर प्रदेश तो आप मुझे मध्य प्रदेश आप तो उदाहरण दे रहे हो आपकी पार्टी का, आपकी पार्टी का उदाहरण दे रहा हूँ कि अभी तक कैप्टन तैयार नहीं कर पाए। 73 लोकसभा सीटें होने के बाद आपके पास कैप्टन नहीं है। उम्र की थकी थकाई वृद्ध महिला को ले जाकर आप लोगों ने एक महिला का अपमान कर रहे हो। थकी थकाई थकी थकाई वृद्ध कहना एक महिला का अपमान कर रहे हैं आप। एक जिम्मेदार दल के प्रयत्न आप एक महिला का अपमान कर रहे हैं। थकी थकाई इसमें आप एक महिला का अपमान कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से। इसमें आप एक जिम्मेदार एक जवाबदारी के साथ 10 साल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर रहने वाली शीला दीक्षित को 83 साल की थकी थकाई महिला, ये आपकी सरकार की नीति है। यही आपकी सरकार महिलाओं का सम्मान करती है। आपकी पार्टी इसी प्रकार महिलाओं का सम्मान करती है। चलो आप तो एक काम करो साहब, अगर कमलनाथ पे राजी नहीं है, ज्योतिरादित्य पे राजी नहीं है, सुरेश पचौरी पे राजी नहीं है, तो जैसे शीला दीक्षित को यूपी में फंसा दिया, मोतीलाल बोरा को लिया मध्य प्रदेश में। आप क्या आप, ये आप शिवराज सिंह के कद की बात कर रहे हैं? अरे शिवराज सिंह का कद तो कैलाश विजयवर्गीय, बाबूलाल गौर, सरताज सिंह, गोपाल भार्गव, रोज रोज का नेतृत्व स्वीकार नहीं कर पा रहे। उनका नेतृत्व स्वीकार तो कर ले फिर वो कमलनाथ और उनसे तुलना करना। शिवराज सिंह को तो उसके घर के लोग नेतृत्व स्वीकार नहीं कर रहे। कैप्टन की टीम यूपी में जैसी आपकी है, यूपी में जैसी आपकी है, यूपी में जैसी आपकी, यूपी में मैं चाहता हूं कि ये कार्यक्रम की भी एक गरिमा है, हमारी भी अपनी एक गरिमा है, और निश्चित तौर पर हमने इस कार्यक्रम को यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंतर कलह को लेकर आयोजित किया और क्या चल रहा है पार्टी में उसमें दोनों ही पक्षों ने अपनी बात रखी, अपने विचार रखे हैं। हालांकि ये बात सही है कि जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, टॉक शोज होते हैं, तो जो दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता हैं वो अपनी अपनी पार्टी का बखान करते हैं और सारी चीज़ें निकल कर सामने आती है। फैसला तो आने वाले समय में जनता करेगी, हम इसका फैसला नहीं कर सकते कि शिवराज सरकार ने अच्छा काम किया है या शिवराज सरकार के खिलाफ उनकी नाराजगी है या कांग्रेस के प्रति उनका कितना समर्थन है, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नरेंद्र जी आप हमारे स्टूडियो में हमसे बातचीत की बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही उमेश जी आप भी हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की बहुत बहुत धन्यवाद। और भाजपा की अंतर्कलह क्या रंग लाएगी इसका फैसला वर्ष 2018 में होगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।